हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये बना रही हूँ शाम का हल्का फुल्का नाश्ता, यानी एक दिन पहले ही बनाया था तो मैंने इस वीडियो को शूट कर दिया। और जो बातें की हैं वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले की है, तो मैंने चलो वीडियो तैयार हो गया मेरा तो एडिटिंग कर लेते हैं। और क्या करूँ, अब तो थक गई हूँ वीडियो बना बना के। अब सोच रही हूँ कि कुछ दिन बाद वीडियो, यानी हर दो दो दिन या चार दिन का अंतराल में मैं एक वीडियो पब्लिश करूं, और अच्छा भी रहेगा। चलना होगा तो चल जाएगा, नहीं चलना होगा तो देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैंने हरी प्याज और मेथी और मिर्च कट कर लिया, मेथी की जो भाजी रहती है वो कट कर लिए। तो ये चावल के आटे में मैंने मठा जो रहता है ना, छाछ, उससे घोला है मेरे चावल का आटा, अच्छे से फैट लिया था। और उसके बाद मैं इसमें मिला लेती हूँ थोड़ी सी अजवाइन, और अच्छा लगता है। मैं इसकी पहले रोटियां बना के खाती थी, पर मेरे दिमाग में आया क्यों ना चीला बनाया जाए। थोड़ा सा एक पिंच में हींग डाल देती हूँ इसमें, इसमें अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। आप लोगों ने देखा मैं हर चीज़ में हींग ऐड करती हूँ, अच्छा रहता है, पाचक भी रहती है, इससे डाइजेशन अच्छा रहता है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बाकी का कुछ मसाला ऐड नहीं किया है, सिर्फ जीरा और धनिया पाउडर लिया है। और बहुत अच्छा लगेगा ये खाने में। और पहली बार तो आप लोगों ने देखा होगी कि चीला वगैरह जो भी बनाते हैं अपन, तो पहला तो बिगड़ता है, तो पहला तो मेरा बिगड़ गया था, बट बाकी फिर सही आने लगे थे। और आप लोग चाहो तो इसको मठे से ना घूर के तो दही से भी इसका पेस्ट बना सकते हो, और थोड़ा सा पानी भी ले सकते हो उसमें, पर मैंने मठा था मेरे पास ताज़ा, तो मैंने मठे से इसका पेस्ट बनाया है। तो थोड़ा सा ऑयल ले लेते हैं इसमें, ऑयल का तो यानी कम ऑयल डालकर बना रही हूँ, तो थोड़ा सा ऑयल लिया है। इसको अच्छे से निम्बू कर लेते हैं, यानी फैला लेते हैं, और फिर वही बैटर जो बनाया है वो मैं डाल दूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से, तो अपने आप गोलाकार जैसा भी मतलब तो बन गया है ये, देखो इस तरीके से। और मैं ज़्यादा इसको टच नहीं कर रही हूँ, नहीं तो बिगड़ सकता है इसलिए। और बस इसको पकने देंगे थोड़ा सा स्लो फ्लेम, ना ही हाई रहे ना ही ज़्यादा स्लो रहे, और पकने देंगे। और सामने इसका देखते रहना है, नहीं तो ये जल भी सकता है। तो बस इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। तो थोड़ा सा मैं चेक कर रही थी कि ये पक जाए जल्दी से, क्योंकि शाम का टाइम था, तो चाय के साथ बोलते हैं ना कभी कभी हल्की फुल्की वाली भूख लगती है, तो मैं ये बना रही थी। तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, वैसे मैं करती नहीं, पर मैंने बोला चलो कर देते हैं। तो यहाँ से मैं धीरे धीरे से निकाल रही हूँ, यही वाला बिगड़ गया था मेरा पता है, पर मैं बना रही हूँ। और इसका फाइनल लुक मैं दिखा दूँगी, तो आप लोग देख सकते हो ये इस तरीके से पलट गया था, थोड़ा सा निकल गया था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक ही हूँ। और लोग कहते हैं कि क्या है, एक साड़ी पर आ जाती हो, ना ही कोई मेकअप, ना ही साड़ी पर पिन। तो अगर आप लोग शुरू से नोटिस कर सकते हो कि मेरा वीडियो किस तरीके से होता है, और अभी टाइम हो रहा है 11:30, घर का पूरा सारा काम करके, खाना वाना खिलाकर, बर्तन एक किनारे रखे हुए हैं, बर्तन अभी धुले भी नहीं है। पहले मैंने बोला एक वीडियो शूट कर लेती हूँ उसके बाद, और आप लोगों को यानी सुबह क्या बनाया था वो मैं बता दूँगी आप लोगों को। जब मूड ख़राब रहता है ना, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि जब घर का माहौल ठीक रहे तो सजने संवरने में भी अच्छा लगता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं सजती संवरती नहीं हूँ, बकायदा साड़ी में पिन भी लगाती हूँ, अच्छी सी साड़ी भी पहनती हूँ, पर मौके मौके में ये सब अच्छा लगता है। और जब मेरा मूड ऑफ रहता है ना, तो या फिर अब कुछ बात ऐसी रहती कि जो मैं कुछ बात शेयर नहीं कर सकती, कुछ बात पर्सनली रहना ठीक रहता है ना। इसलिए बस यही है कि मैं थोड़ा सा ना अलग टाइप की हूँ। अब आप लोगों को अच्छा लगे अथवा ना लगे, मैं जैसी हूँ वैसे ही आ जाती हूँ, शुरू से नोटिस कर सकते हो। बहुत कम ऐसे ब्लॉग आते हैं कि मेरा कहीं आना जाना हो, और बहुत कम ऐसे ब्लॉग रहते हैं मेरे कि मैं कहीं सज रही हूँ, अच्छी दिख रही हूँ। तो मैं जैसी रहती हूँ वैसे आ जाती हूँ। और रही बात साड़ियों की, साड़ी मेरे पास बहुत सारी हैं, पर आप लोग मेरी बात को क्यों नहीं समझते हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है।
डेली डेली मुझे न्यू न्यू साड़ी पहनना पसंद नहीं है, मुझे घर की साड़ियों में ही बहुत आराम लगता है। ऐसा लग रहा था यहाँ पर कोई है। तो मुझे घर की साड़ियों में ही बड़ा आराम लगता है। जो मैं ये पहनी हुई हूँ ये सिंथेटिक है, और घर के काम करते करते साड़ियों का भी हाल बेहाल हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादातर साड़ियों घर की ही पहनती हूँ। और काम आप लोग देख सकते हो, ये नहीं कि मुझे बस खाना बनाना है और बैठ जाना है खा के, मुझे बाकी और भी काम करने होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ऊपर मैंने पेड़ पौधे सब्जियां लगाई हुई हैं, तो वहाँ पर पानी डालने जाती हूँ ना, तो पूरे छींटे टंकी से पानी निकालना होता है, तो पूरे छींटे साड़ियों पर आते हैं। तो डेली यूज की साड़ियाँ अगर गंदी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये न्यू साड़ियाँ गंदी हो जाती हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा मुझे दुख होता है, इसलिए मैं उनको रखी हुई हूँ। वक्त वक्त पर पहनती हूँ तो मुझे अच्छा भी लगता है। और डेली मेरी आदत नहीं है मेकअप करने की, जब कभी होता है कि लगता है कि नहीं अब बहुत दिन हो गए हैं, थोड़ा सा अच्छी बन जाती हूँ, तब मैं आती हूँ और माहौल देख के भी करती हूँ। मैंने आप लोगों ने देखा होगा, मैं बचपन में जब छोटी थी ना, तो मैं बर्थडे बहुत अच्छे से मनाती थी। यानी मुझे 14 तारीख का वेट रहता था कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरा बर्थडे आने वाला है, और मैं नए कपड़े पहनकर स्कूल जाया करती थी। और क्योंकि उस समय छूट रहती थी स्कूल में, एक विदाउट ड्रेस में बुलवाते थे। और उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तो मेरा बर्थडे भी घर पर सेलिब्रेशन होता था, केक कटता था बकायदा। और अभी भी मेरी मम्मी बुला रही थी कि आ जाओ बेटा, केक कट करवाएंगे। छोटी छोटी सी खुशी में कम से कम खुश तो हो जाते हैं, एक मौका है खुशी का। पर मैं नहीं गई क्योंकि मुझे बस मेरा मन अच्छा नहीं था, इसलिए मैं नहीं गई। और ना ही मैंने यहाँ पर सेलिब्रेशन किया, मेरी बेटी नाराज होती रही और उसका चेहरा भी उतर गया, बस नहीं मनाया मैंने। और रही बात रोने की, है ना, मैं कमज़ोर हूँ इसलिए मुझे आंसू आ जाते हैं। और कई लोग बोलेंगे क्या है बक बक बक, बातें ज़्यादा किसी को पसंद नहीं आती है, काम करना ज़्यादा पसंद आता है। तो मैं रेसिपी आपको लास्ट में दिखा दूँगी, पर पहले आप लोग मेरी बात सुनो ध्यान से। एक बार क्या हुआ, मैं शिरडी गई थी, ज़्यादा मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, तो पता नहीं कैसे मुझे बाबा ने बुला लिया। और फैमिली के साथ गए थे, सारे लोग गए थे, बेटी भी गई थी, शुक्ला जी भी गए थे, तो हम ही लोग गए थे। तो जब साईं बाबा के दर्शन, जब वो रेलिंग रहती ना, वहाँ से अपन जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगा था साईं बाबा के पास पहुँचने तक। तो जैसे ही साईं बाबा करीब आते गए ना, तो मेरी पहले तो मैं अच्छे गुनगुनाते हुए साईं बाबा के भजन गाते हुए अच्छे उत्साह में चल रही थी, पर जैसे ही साईं बाबा मेरे करीब आए ना, तो मैंने शुक्ला जी का तुरंत हाथ पकड़ के, और मेरे आंसू टप 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 गिरने लगे। एक बात और ऐसे हुआ कि एक बार क्या, हर बार होता है कि जब जब दशहरा होता है तो हमारे यहाँ पड़ोस में एक माता रानी हाँ विराजमान होती, स्थापित करते हैं और उनकी 9 दिन सेवा करते हैं, सारे लोग आरती होती सुबह शाम। और जब उनका जाने का टाइम होता है ना, जब वो जाती है ना, तो मैं जाती हूँ उनको, यानी गेट के पास आ जाती हूँ उनको देखने के लिए, लास्ट दर्शन करने के लिए, तो तब भी मुझे रोना आता है, पता नहीं क्यों, जो मेरे बोलते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाना, तो वही होता, एकदम से अंदर से फरूरी सी, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कोई चीज़ से घबरा जाते हैं, वैसा कुछ होने लगता है और मैं रोने लगती हूँ। तो रोने की बात ऐसी रही, साड़ी की बात भी बता दी कि मेरा क्या मजबूरी है कि मैं क्यों नहीं पहनती हूँ, ऐसे क्यों रोज़ सज धज के नहीं आती। आज मैं अपने पूरे बारे में बता देती हूँ क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं जो एक दिन ना एक दिन टपक ही पड़ते हैं कमेंट, तो उनका जवाब देना ज़रूरी रहता है। और मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रही हूँ, बस अपनी बातें बता रही हूँ कि मैं क्यों नहीं ऐसा करती हूँ। शुरू से मैं ऐसी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी ऐसी बनी हूँ, मैं शुरू से ऐसी हूँ। और एक बात और, हाँ एक कमेंट्स आया था, मैं आपको अभी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। उन्होंने कहा था कि प्लीज़ यार गाना मत गाया करो, बहुत इरिटेटिंग होता है, और क्या बोल रहे थे, हाँ स्किप करना पड़ता है, और कई लोग बोलते हैं आपका गाना अच्छा लगता है, तो मैं बातें किसकी मानूं। और मेन चीज़ ये है कि मुझे गाना गाना पसंद है,
कुछ गम में नहीं गाती हूँ तो मुझे गम है, मुझे गाना गाना पसंद है इसलिए गाती हूँ। शुरू से मुझे सिंगिंग पसंद है, अब मेरी आवाज़ जैसी भी हो, चाहे किसी को बुरी लगे चाहे भली लगे, पर एक मुझे ये शौक़ है गाना गाने का, इसलिए मैं गाती हूँ गाना, भजन हो गाना हो जो भी है मैं गाती हूँ इसलिए। और आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, इसलिए मैंने बोला कमेंट का जवाब देना ज़रूरी है। अभी भी ऐसी बैठी थी इसलिए कैमरा उठाया और आ गई, और वक्त आने पर बता भी दूंगी कि क्या है क्या नहीं है। उस बात को लोग समझते नहीं हैं, बस आए और बोल देते हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो जब प्यारे प्यारे कमेंट्स भी आते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा बुरे कमेंट्स भी आना होता है। और एक बात और बोल रही थी कि डिसलाइक, तो डिसलाइक हर बार बोलती हूँ, डिसलाइक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर एक बात बता रही हूँ मैं कि डिसलाइक, अगर भगवान का शिवरात्रि ब्लॉग उसमें क्या मैंने ऐसा किया जिसमें लोग डिसलाइक देके चले गए, अब जाकर देखना शिवरात्रि ब्लॉग में डिसलाइक पड़े हुए हैं। अब पता नहीं कौन थे जो भगवान की पूजा में डिसलाइक देके चले गए, बताओ, बिल्कुल नास्तिक लोग हैं, और वेट करते हैं कि कब मेरा वीडियो आए और फटाक से डिसलाइक करें और बस दिल दुखा कर चले जाएं। तो कोई बात नहीं, जिसको जैसा करना है करो, कुछ नहीं बोल सकते अब इसके आगे। तो बस मैं आपको रेसिपी दिखा देती हूँ और आज इस ब्लॉग का एंडिंग यहीं पर करती हूँ। मिलूँगी, यहाँ पर रही तो यहीं पर मिलूँगी, अगर और कहीं रही तो वहाँ पर मिलूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।